मनी मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 23 तेईस छमाही आकलन कक्षा सात विषय संस्कृत के बारे में बताने वाला हूँ तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर तो जाकर वहाँ से इस पी को डाउनलोड करें कक्षा आठ अधवार्षिक आकलन छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा सातवीं विषय संस्कृत के बारे में बताने वाला हूं तो सबसे पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है तीन घंटे का पेपर होगा अस्सी अंकों का पूर्णांक रहेगा यहाँ पर अंक उसके सम्मुख दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखे कदा का अर्थ होता है कब क्यों किसका कैसे तो क्या होगा इसका उत्तर कदा का अर्थ होता है आपका कब छत्तीसगढ़ राज्य से उत्सव अस्ति छत्तीसगढ़ राज्य का उत्सव है दीपावली होली क्रिसमस तीजा तो ये तीजा इसमें आपका अगला प्रश्न दिया गया भाद्रपद से डैश उत्सव भवित हरेली जवारा छेरछेरा पुन्नी पोरा तो इसमें उत्तर आएगा हरेली डैश नदिया तटे रायपुरम अस्ति महानदी खारून नदी शिवनाथ नदी जोक नदी उत्तर क्या आएगा इसका महानदी डैश दर्शनम इदस्य महोत्सव भविष्यति सूर्यस्य चंद्रयस्य तारा भूमि ताराभूमि तो उत्तर आएगा चंद्रयस्य छत्तीसगढ़ राज्य से डैश जिला अस्ति रायपुर कोरबा बिलासपुर रायगढ़ तो यहाँ पर आएगा कोरबा तो इस तरह से आपका खालिस्तान कदा का अर्थ होता है कब जन छत्तीसगढ़ राज्य से अस्ति तीजा भाद्रपद से अमावस्यम उत्सव भवती हरेली डैश नद्या तटे रायपुरम अस्ति महानदी डैश दर्शनम ईदस महोत्सव भविष्यति इसमें आएगा चंद्रस्य छत्तीसगढ़ राज्य से विद्युत केंद्र आपका है कोरबा जिले तो ये है आपका उत्तर उसके बाद यहाँ पर आपका संधि विक्छेद करना है यहाँ पर अति लघोत्तरी प्रश्न है निम्नलिखित पदों की संधि विक्छेद कीजिए गगनो मुखानी और ममैव मम धन एव हो जाएगा इसका आपका मम धन एव ये हो जाएगा आपका गगन धन उन मुखानी गगन धन उन मुखानी हो जाएगा इसका छत्तीसगढ़ राज्य खजुराहो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कवर्धा का जिले को कहा जाता है छत्तीसगढ़ खजराहो कवर्धा भोरम देव जन इत्री शब्द का पूर्वलिंग बताना है जन इत्री का क्या होगा स्कैनर किम कार्यम करोती है स्कैनर कौन कौन से कार्य करते हैं का क भुष्यते भुस्यते भुष्यते कुलम तो यहाँ पर कुलम सीलम कुलम आ जाएगा इसमें सीलम भुष्यते सीलम जे रहा इसका उत्तर इस तरह से आपको करना है और इनका उत्तर आपको अगले भाग पर बताया जाएगा पूरा आपको लाइन से उत्तर बताया जाएगा निम्न शब्दों का संस्कृत में वाक्य बताना है घट का तत्र का धर्मस्य का विद्यंते का धनस्य का कृष्णा का छः अंकों का ये प्रश्न दिया गया है सभी का आपको वाक्य बनाना है अपनी भाषा में आप बना सकते संस्कृत में लिखना है लेकिन वाक्य अपने आधार पर लेना है निम्न पदों का अर्थ लिखना है धृत्वा अधूना मतलब अब अवत इसका आपको बताना है छः अंकों का ये प्रश्न दिया गया आ उपसर्ग जोड़कर तो आ उपसर्ग उपसर्ग पहले लगता है आधन आहार तो इसका आपका बन जाएगा आहार इस तरह से आपका आहार लिखना पड़ेगा आचार आक्रमण इस तरह से आपको बनाना है तो ये आपका आसान है संस्कृत के प्रश्न है उसके बाद है रिक्त स्थान पूरा करना है यहाँ पर अध्य दर्शनों टैस तो यहाँ पर आपको खालिस्तान पर क्या आएगा भरना है आदर्श छात्र माता पित्रो चरणम तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चरण सादर नमिता होलिका उत्साह फाल्गुन तो यहाँ पर आपको भरना है फागुन तो ये अभी आपको सिर्फ एक प्रिव्यू बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो पर आपको अगला पूरा उत्तर सहित आपको बताया जाएगा ताकि आपको पूरी तैयारी कर सको आदिवार्षिक परीक्षा के लिए इस तरह से रहेगा उसके बाद है आपका संस्कृत में अनुवाद करने दया ही धर्म है दया धर्मस्य सवन कुमार आज्ञाकारी था सवन कुमार आज्ञाकारी भवती कोयल काली होती कोयल कृष्णा भवती फल की इच्छा मत करो फलम संसार में सज्जन भी है इसको बताना है आपको ये पांच आपको दिया गया अनुवाद करना है तो ये सारे प्रश्न आपको देख लेना है उसके बाद है छत्तीसगढ़ के बारे में पांच वाक्य लिखना है छत्तीसगढ़ के बारे में आप हिंदी में सोच सकते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है छत्तीसगढ़ में अनेक दर्शनीय स्थल है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है ये भी प्रश्न ये बन जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में अनेक मंदिर है छत्तीसगढ़ में घूमने का स्थान है छत्तीसगढ़ में जो जो चीज़ प्रसिद्ध है उनके बारे में बता सकते हैं कहाँ बहुत सारे विश्वविद्यालय गोलहट्टम है इस तरह से आपको पूरा उत्तर देना है इस तरह से आपका सातवीं का पेपर रहने वाला है सत्रह प्रश्न आएंगे अस्सी अंकों का पूर्णांक रहेगा तो पूरे उत्तर आपको बताया जाएगा थैंक यू सो मच थैंक यू